हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइको टेस्ट सिलेबस के बारे में और टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में। क्योंकि आप लोगों को पता है, जो आपका आरआरबी 2019 जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें दो पोस्ट हैं आपके, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट। तो अगर ये पोस्ट आपको चाहिए तो CBT 2 क्लियर करने के बाद आपको साइको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। और जो वेरियस आपके क्लर्क पोस्ट हैं, वो पोस्ट चाहिए तो आपको CBT 2 क्लियर करने के बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको ये पोस्ट मिलेगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके साइको टेस्ट के सिलेबस के बारे में और जो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट है उसमें कितने वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करने होते हैं इंग्लिश या हिंदी में। तो इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपका स्टेशन मास्टर में क्या क्या सिलेबस है आपका। तो पहला जो है आपका टेस्ट बैटरी इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर आपका सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, फिर आपका है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, चौथा है आपका इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट और पांचवा है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले है आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग योर इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसमें आपके पांच फिगर दिए हुए रहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा फिगर है, जो पाँच फिगर है उसमें से कौन सा एक ऐसा फिगर है जो डिफरेंट है सबसे। तो अगर हम ये चौथे नंबर फिगर को देखते हैं तो इसमें दो सर्किल है जो कि आपस में नहीं सटे हुए हैं। बाकी आप जो भी फिगर को देखिए, 1, 2, 3 और 5, ये दोनों सर्किल्स है जिसमें आपस में सटे हुए, तो आपका इसमें डिफरेंट आंसर हो जाएगा 4। तो ये आपका 4 आंसर है। चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, इस तरह आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्या है आपको, टेस्ट फॉर मेजरिंग सेलेक्टिव अटेंशन। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपके सीरीज जो रहेगा नंबर्स का, इसमें आपको बताना है कि जितने भी ऑड नंबर्स है उसको ऐड करके आपको बताना है कि कितना आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो इस एग्जांपल में देखते हैं, पहला आपका ऑड नंबर कौन सा है, 1, फिर आपका क्या है 5, फिर क्या है 3, ठीक है, उसके बाद 1, फिर 3, फिर 3, फिर 1, फिर आपका है 5 और लास्ट में 1। तो इन सब को ऐड करेंगे, तो जैसे पहला है था आपका 1, फिर 5, 3, 1, 3, 3, 1, 5 और 1, तो इन सब को ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 23। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा देख लेते हैं, क्या है आपका तीसरा टेस्ट बैटरी। तो तीसरा टेस्ट बैटरी है आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग स्पेशल स्कैनिंग। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें आपका सिंपली एक फिगर रहता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो आप ABCD जो आप ये देख रहे हैं लेटर्स, ये आपके स्टेशंस हो गए, ठीक है। ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, ये ब्लॉक सा सर्कल सा, ये आपका बैरियर है, ठीक है। तो इसे आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये जो आप स्क्वायर टाइप का शेप देख रहे हैं जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1, 8 जो भी है, तो ये आपका हाउस हो गया। अब इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है, तो जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं A to Z। तो चलिए ये आपका A है और ये Z स्टेशन है। इसमें आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है कि A से Z में जो शॉर्टेस्ट पाथ है A स्टेशन से Z स्टेशन जाने में, वो क्या है, और उन पाथ के में आप किस हाउस को टच कर रहे हैं। और उन पाथ में सिर्फ आप एक हाउस को टच करेंगे, दो हाउस को टच नहीं करेंगे, और ये जो बैरियर है इसे आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो आप जब A to Z आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इधर से नहीं जा सकते क्योंकि ये बैरियर है, इसे आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आकर आप इस वे में नहीं जा सकते क्योंकि ये बैरियर है, इसे क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कहाँ से आएंगे, इस पास से आएंगे, यहाँ से आ सकते हैं क्योंकि ये जो बैरियर है इसे टच करके आप आ सकते हैं, लेकिन इसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप आएंगे और वन से होते हुए ये आप यहाँ जेड पे चले जाएंगे। तो आप कौन सा हाउस टच किए, 1। तो पहला क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 1। अब समझ गए, दूसरा एग्जांपल लेके क्लियर हो जाएगा आपका देख के। E to S में आप E कहाँ है आपका स्टेशन, यहाँ है। S आपका कहाँ है स्टेशन, यहाँ है। तो आप कैसे जाएंगे, इधर से जा नहीं सकते क्योंकि ये बैरियर है, इसे तो क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ से जाएंगे सीधे इस पाथ से, 5 टच करते हुए हम, ठीक है, यहाँ से आ गए और ये डायरेक्ट आ गए। तो ये आपने क्या टच किया, कौन सा हाउस, 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि ई से एस में अगर हम गए यहाँ से
और हमने ये वन को भी टच कर दिया यहाँ पे। तो एक बात बताऊँ दोस्तों कि ये जो हाउस होता है, मान लीजिए वन है, आप अगर किसी पाथ पे जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से गए, तो ये आपका टच होगा, कोई एक सरफेस टच करना चाहिए। अगर आप यहाँ से गए और इस आप इसका एक कॉर्नर टच करके गए तो ये काउंट नहीं होगा। और एक पाथ में अगर आप पाथ में आ रहे हैं, मान लीजिए ई से आप फाइव में आ गए, तो इधर से नहीं जा सकते, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आप दो हाउस को टच नहीं कर सकते हैं। इधर से आएँ फाइव और फिर इधर से जाएंगे तो टू भी टच हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही हाउस टच करना है पाथ में, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं आपका पी टू जे, ठीक है। तो पी आपका कहाँ है, यहाँ, और जे यहाँ है। पी टू जे में कैसे जाएंगे, इधर से नहीं जा सकते क्योंकि ये बैरियर है, इधर से भी नहीं जा सकते, बैरियर है। यहाँ से जाएंगे थ्री, इस पाथ में गए, थ्री टच हुआ यहाँ पर कॉर्नर से आके, यहाँ से आके आप ये आ गए, तो आपने कौन सा हाउस टच किया, थ्री। तो आपका आंसर क्या होगा, थ्री का थ्री, ठीक है। तो ऐसे इस इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चौथा टेस्ट है आपका इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें आपके दो टेबल दिए रहेंगे, एक टेबल ये आप देख रहे हैं ब्लॉक टाइप का, ठीक है, और दूसरा टेबल आपका ये है, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका जो साइको टेस्ट है, RRB NTPC आपका 2015 का जो एक साइको टेस्ट हुआ था वो भी ऑनलाइन हुआ था, और इस बार जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट का साइको टेस्ट एग्जाम हुआ है वो भी ऑनलाइन हुआ है, तो आपका ऑनलाइन ही होगा। तो क्या होगा कि इसमें जो आपके स्क्रीन पे, इसमें दो टेबल हमेशा रहेंगे लेफ्ट साइड में, और बाकी आपका राइट साइड में क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे सर्कल दिया रहेगा। तो अभी ये सर्कल है तो इसका क्या मतलब है, तो आप देख लीजिए टेबल टू है, इसमें सर्कल का वैल्यू क्या है, बड़े वाले सर्कल का सिक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया सिक्स, ठीक है। रुकिए, यहाँ पे हो गया आपका सिक्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो आपके एक्स, तीनों में एक्स मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है, जो टेबल वन है इसमें प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री। तो जिस भी बॉक्स में आपके एक्स है वो प्रोसेस आपको करना है, मतलब जैसे इसका वैल्यू हो गया सिक्स, तो इसके बाद प्लस क्या होगा, ये इसमें एक्स दिया हुआ तो यहाँ पे वैल्यू क्या है प्लस वन, दूसरे में एक्स है यहाँ पे तो इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस टू, तीसरे में आपका एक्स है तो इसका वैल्यू क्या है प्लस थ्री, ठीक है, ये करना है। अब ये बॉक्स जो खाली है, तो जो खाली बॉक्स है यहाँ पे प्लस टू है, तो खाली बॉक्स में आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है। उसमें आगे देखिए इसमें दो एक्स दिया हुआ है, तो इसमें क्या है वैल्यू, यहाँ माइनस थ्री और ये माइनस वन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माइनस थ्री और माइनस वन, उस तरह देख लीजिए ये दो बॉक्स है यहाँ पे दिया हुआ है, तो दो बॉक्स का क्या वैल्यू है प्लस टू और माइनस वन, तो प्लस टू और माइनस वन हो गया। फिर क्या है आपका एक यहाँ पे एक्स है तो इसका वैल्यू क्या है माइनस थ्री, और फिर यहाँ एक एक्स है तो इसका वैल्यू क्या है प्लस वन, समझ गए। तो जो खाली रहता है उसमें कोई प्रोसेस नहीं करते हैं, और जिसमें एक्स आपका दिया हुआ है ये इसका जो भी नंबर है उसको प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसको हम टोटल सम कर लेंगे, तो टोटल सम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर इसका थ्री, ठीक है, थ्री आ गया। ये जो टेबल है ये हमें सब सारे क्वेश्चन में सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, थ्री आ गया। तो थ्री के लिए क्या करेंगे, अब देख लीजिए थ्री के लिए क्या है, इसमें थ्री के लिए यहाँ पे है आपका स्मॉल स्क्वायर है जो ब्लैक कलर से है, तो ये आपका आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका आंसर यहाँ देख लीजिए इस तरह का रहेगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर में ऑप्शन इस टाइप का रहेगा। तो थ्री ये जो आपका स्मॉल स्क्वायर आया था ब्लैक कलर का, तो ये है आपका फाइव, तो फाइव आपको सेलेक्ट कर देना। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पांचवा और आखिरी टेस्ट बैटरी है आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग योर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी टेस्ट करने के लिए ये वाला टेस्ट होता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन आपके आएंगे, उसमें तीन ऑप्शन रहेंगे, आपको किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन का आंसर है गलत है या सही है, ठीक है। इसमें जो भी आपके माइंड में पहले आए वो आप आंसर सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, आई प्रीफर पीपल हु आर, पहला ऑप्शन है आपका रिजर्व, दूसरा इन बिटवीन, और तीसरा मेक फ्रेंड्स क्विकली। मतलब रिजर्व और मेक फ्रेंड्स क्विकली के बीच में अगर आपका आंसर आता है इन बिटवीन, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो किन्हीं भी लोग हैं इनके लिए अलग अलग आंसर होगा, किसी के लिए ये फिट होगा कि फ्रेंड जो क्विकली बना लेते वो आप उन लोगों को पसंद करते हैं, या किन्हीं को जो रिजर्व पीपल होते हैं अपने आप में रहते हैं उन्हें सेलेक्ट करते हैं, या कोई सोचेंगे कि इन बिटवीन को लगा दे क्योंकि इन दोनों के बीच में।
तो अब इसमें एक बार इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो इंस्ट्रक्शन देखिए, पहला क्या है कि आपका आपको किसी प्रश्न पर ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, जो उत्तर सबसे पहले मन में आए उसमें ही निशान लगाएं। ठीक है, तो आपके माइंड में जो भी पहले आंसर आता है वो आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, बीच वाले अनिश्चित उत्तरों का सहारा लेने की कोशिश मत कीजिए, इन्हें तभी चुने जब अन्य विकल्प चुनना आपके लिए सचमुच ही असंभव हो। जैसा कि ये क्वेश्चन में है, इन बिटवीन, ये आपका उत्तर है, बीच वाला उत्तर। ठीक है, तो इसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो सही लग रहा है आपके लिए वो आप उसी को सेलेक्ट कीजिए। तीसरा क्या है, इस बात का ख्याल रखिए कि कोई प्रश्न छूटने ना पाए, जैसे भी हो सभी प्रश्नों को उत्तर दें, तो कोई भी प्रश्न इसमें छोड़े नहीं आप। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करें इस टेस्ट में आया तो। चौथा क्या है, जो उत्तर आपके लिए सही हो वही उत्तर सच्चाई और ईमानदारी से दें। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे कि इसमें मान लीजिए आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका ऐसा होगा कि आपने किसी आदमी को चोरी करते हुए देखा, वो आपका दोस्त है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, इसमें तीन ऑप्शन कोई भी दिया रहेगा। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं बता रहा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन ये है, और आपका चौथा पाँचवा क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि आपने एक आदमी को चोरी करते हुए देखा, वो आपका दोस्त नहीं है। ठीक है, तो आपका तरफ से क्या कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका साइको टेस्ट का सिलेबस। अब देख लेते हैं आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट है, जो भी आपके कलर के वेरियस पोस्ट हैं उसमें क्या होता है, क्या आता है। तो इसमें दो ऑप्शन रहते हैं आपके, इंग्लिश में टाइपिंग करने के लिए या हिंदी में टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश में टाइपिंग करने के लिए, तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करना होता है इंग्लिश वालों के लिए। और अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो इनके लिए क्या होता है, 25 वर्ड पर मिनट टाइप करना होता है। और इसमें क्या रहेगा कि आपका जो एडिटिंग टूल्स है और स्पेलिंग चेक फैसिलिटी जो होता है, ये ऑफ़ कर दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो ये अगर ऑप्शन आपके ऑन रहते हैं तो आप गलत भी टाइप करते हैं, तो उसे उसमें रेड कलर का ऐसे मार्क लग जाता है, उसे सही करने का ऑप्शन आता है, तो उसमें ये ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।